हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स पढ़ा और लेक्चर वन में आपने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देखा कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो अब उसके हम लोग कैलकुलेटिव साइड पर आते हैं। अगर x इक्वल टू ए कोई इंटीरियर पॉइंट है, जैसे डोमेन हुआ 1 to 5, तो बीच के पॉइंट्स जैसे 2, 3, 4, ये सब इंटीरियर पॉइंट्स हो गए। तो अगर x इक्वल टू ए इंटीरियर पॉइंट्स है, तो वहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब होता है कि RHL LHL दोनों बराबर होना चाहिए, फाइनाइट एंड डेफिनेट होना चाहिए। ठीक है, RHL कैसे निकलता है? तो RHL का फार्मूला x इक्वल टू ए के लिए लिमिट एच टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ ए प्लस एच। राइट का मतलब होता है x इक्वल टू ए जो पॉइंट है उसके राइट नेबरहुड में, दाई तरफ। तो जस्ट राइट में कौन होगा? ए प्लस एच, जिसमें एच इन्फिनिटेसिमल होता है, इसलिए एच टेंड्स टू जीरो। LHL इसी तरह प्लस एच की जगह माइनस एच, यानी ए पर जो पॉइंट है उसके ठीक लेफ्ट में। तो अगर ये दोनों बराबर है, कैलकुलेट करने में दोनों बराबर आता है, तो कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट होता है। ठीक है, और इसी का ग्राफिकल एस्पेक्ट इस तरह होता है कि इस टाइप का ग्राफ जिसमें x इक्वल टू ए का पॉइंट है। ठीक है, इस ग्राफ में पॉइंट इंटेंशनली हटा दिया गया है, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए ए पर पॉइंट का होना जरूरी नहीं होता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो राइट साइड से ए पर पहुंचने के टेंडेंसी होना और लेफ्ट साइड से पहुंचने के टेंडेंसी होना, अगर दोनों साइड से एक ही पॉइंट पर पहुंचते हैं तो कहलाता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो राइट साइड से जहां पहुंच रहे हैं उसकी लिमिटिंग वैल्यू एल हुई, लेफ्ट साइड से पहुंच रहे हैं उसकी लिमिटिंग वैल्यू एल हुई, RHL बराबर LHL बराबर एल, तो कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन कब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा? जब ये दोनों बराबर नहीं होगा। उसके ग्राफिकल सीन कैसे होती है, तो आप इस ग्राफ को देखें, ये x इक्वल टू ए है और राइट साइड से हम पहुंचेंगे तो यहीं पर पहुंचेंगे a प्लस एच। ए प्लस एच का मतलब ये a जो है उसके राइट होना चाहिए, जस्ट राइट। तो जस्ट राइट के लिए मैथमेटिक्स में कोई नंबर होता नहीं है, तो उसको बताया गया था कि अगर कोई नंबर a है तो उसके राइट के लिए हम लोग a प्लस एच कर देते हैं और h को कह देते हैं कि वो इन्फिनिटेसिमल है। तो अगर ये a है तो a प्लस एच यहाँ पहुँच रहा है। ठीक है, ये हुआ a प्लस एच, और ये y कोऑर्डिनेट जो हुआ ये कितना हुआ एफ ए प्लस एच, उसमें जीरो टेंड कराएंगे तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू ये हो जाएगी RHL, हुआ L1। उसी तरह a माइनस एच लेफ्ट में होगा। ठीक है, a माइनस एच और ये y कोऑर्डिनेट एफ ए माइनस एच, तो एफ ए माइनस एच में जब ये जीरो टेंड कराएंगे तो जिस नंबर को पाने की टेंडेंसी रखेगा वो कहलाएगा L2। ठीक है, तो ये राइट साइड से किसी और पॉइंट पे पहुंचना, लेफ्ट साइड से किसी और पॉइंट पे पहुंचना, मतलब ये वर्टिकल गैप बन जाना। वर्टिकल गैप बन गया मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अब आते हैं कंटिन्यूटी पर। कंटिन्यूस कैसे होगा? तो बिल्कुल सिंपल शब्दों में ऐसे समझें कि अगर कॉपी पर आप पेन चला रहे हो, पेंसिल चला रहे हो, तो कॉन्टेक्ट पेन का, पेंसिल्स का आपके पेपर से छूटना नहीं चाहिए। जैसे मान लिया हम कोई ग्राफ बना रहे हैं, मान लिया ऐसे कोई ग्राफ बना रहे हैं ऐसे लगातार, अब चॉक उठ नहीं रहा है बोर्ड से, इसका मतलब थ्रू आउट कंटिन्यूस है। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह ग्राफ बनाना हो, अगर हम ऐसे बनाएं ग्राफ को, ऐसे देखिए ये ग्राफ ऐसे चला और उठ के ऐसे आ गया, ऐसे तो यहां से यहां तक ठीक जा रहा है, लेकिन उसके बाद फिर जंप कर गया, इसका मतलब टूट गया है। कई बार ऐसा होता है कि जंप नहीं करता, जैसे मानिए कि यहां पर ऐसे इस तरह ले लिए, इसकी तरह ऐसे कि पेन यहां से यहां चल रहा है, ऐसे जंप कर गया, पॉइंट नहीं है, फिर चल रहा है। तो जैसे ही कॉन्टेक्ट छूटेगा मतलब डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा और क्लियर करने के लिए थ्योरेटिकली चलिए, ये ग्राफ देखिए, ये कंटिन्यूअस ग्राफ है। आप इसमें पेन चलाएंगे, चॉक चलाएंगे इस तरह से, तो कहीं पर भी ये बोर्ड से कॉन्टेक्ट छूटेगा नहीं। इसको थोड़ा बेटर समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू ए पर पॉइंट है, इसका नाम है ए एफ ए, वाई कोऑर्डिनेट एफ ए, ए के इन्फिनिटेसिमली क्लोज पॉइंट हम राइट में दिखा रहे हैं अभी डायग्राम में, उसका नाम है ए प्लस डेल्टा एक्स। लेकिन डेल्टा एक्स का वैल्यू अगर एच रखेंगे तो ये पॉइंट राइट में होगा, डेल्टा एक्स का वैल्यू माइनस एच रखेंगे तो यही पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट कर जाएगा। एनी वे, ए प्लस डेल्टा एक्स हमने एक पॉइंट लिया, वाई कोऑर्डिनेट का होगा एफ ए प्लस डेल्टा एक्स। तो आप देखें कि यहाँ से यहाँ आने में दो चेंजेज आए हैं, एक तो एक्स का कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है ए टू ए प्लस डेल्टा एक्स, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज कर रहा है एफ ए टू एफ ए प्लस डेल्टा एक्स। तो कंटिन्यूअस फंक्शन में मेरिट क्या होता है कि इन दोनों का जो डिफरेंस होता है लिमिटिंग में जीरो टेंड कर जाता है। तो इसको लिखा गया है कि डेल्टा वाई कितना है फ्रॉम हियर टू हियर, व्हाट इज द चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट, डेल्टा वाई कितना है, एफ ए प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ए, ये हो रहा है।
ठीक है, तो कहता है एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, ये जो ए और ए प्लस डेल्टा एक्स के बीच का जो गैप है एकदम बिल्कुल नजदीक आ जाना चाहिए, मतलब ये गैप टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए। तो वैसे स्थिति में चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट है अगर कंटिन्यूअस फंक्शन होगा तो ये भी जीरो टेंड करेगा, अगर डिसकंटिन्यूअस है जंप करता है तो क्या होगा, ये टेंडिंग टू जीरो नहीं होगा। तो फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन दिस शुड बी टेंडिंग टू जीरो, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू जो है जीरो आएगा, इसलिए एफ ए प्लस डेल्टा एक्स बराबर एफ ए आएगा। ठीक है, अब इसी डेल्टा एक्स में अगर हम एच डाल देते हैं तो ये राइट पॉइंट जो है इसके जस्ट बगल में आएगा, लिमिटिंग में बराबर हो गया, तो लिखेंगे एफ ए प्लस एच, एच टेंड टू जीरो बराबर एफ ए। अगर यही डेल्टा एक्स माइनस एच लेते हैं, ए माइनस एच, तो वो लेफ्ट में आ जाएगा, तो पॉइंट यहाँ ना होकर इधर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा एफ ए माइनस एच बराबर एफ ए, एच टेंड टू जीरो, और उसी को समराइज करके यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, कि फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो आर एच एल इक्वल टू एल एच एल बराबर एफ ए बराबर फाइनाइट एंड डेफिनेट होगा। ठीक है, इंटीरियर पॉइंट पे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एंड कंटिन्यूटी हम लोगों ने देखा। कभी कभी ऐसा केस आएगा जब बाउंड्री पॉइंट या एंड पॉइंट पर डिस्कस करना पड़ता है, कहता है लेट एफ एक्स इज डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल पी टू क्यू, तो बीच के जो पॉइंट्स होंगे वो इंटीरियर पॉइंट्स हैं, लेकिन पी जो है वो बाउंड्री पॉइंट और ये लेफ्ट एंड पॉइंट है या लेफ्ट बाउंड्री, क्यू है राइट बाउंड्री। इसमें एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू पी लेफ्ट बाउंड्री इज सेट टू एग्जिस्ट इफ आर एच एल ओनली एग्जिस्ट, एल एच एल की जरूरत नहीं है। अब सोचेंगे एल एच एल क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका एल एच एल अगर निकालेंगे तो एल एच एल क्या आएगा, एल एच एल आएगा एफ ऑफ पी माइनस एच लिमिट एच टेंड टू जीरो। तो आप इसको देखिएगा कि एफ ऑफ पी माइनस एच जो है वो इसके डोमेन से बाहर चला गया, तो फंक्शन क्या होगा, इमेजरी हो सकता है, अनडिफाइंड हो सकता है, इसलिए एल एच एल की जरूरत नहीं होती है लेफ्ट बाउंड्री पॉइंट पर। केवल आर एच एल का एग्जिस्ट कर जाना मतलब फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। उसी तरह अगर राइट बाउंड्री पर जाएंगे तो अगर इसका क्यू पर आर एच एल निकालेंगे तो आएगा फंक्शन ऑफ क्यू प्लस एच एच टेंड टू जीरो, वो डोमेन से बाहर चला जाएगा, उसकी जरूरत ही नहीं है, डोमेन से जो बाहर चला गया उसको लेना ही नहीं। तो एक तरह से और आसान हो जाता है ये। तो कहता है क्यू राइट एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा अगर एल एच एल एग्जिस्ट करता। ठीक है, उसी तरह अगर कंटिन्यूटी की बात करें कि पी पर कंटिन्यूस होने के लिए, तो नॉर्मली कंटिन्यूस होने के लिए इंटीरियर पॉइंट पर एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ ए करते थे, इसमें क्या होगा, एल एच एल तो मिलेगा नहीं, एल एच एल हट जाएगा, तो केवल दो ही काम हो जाएगा, दो ही से काम हो जाएगा, एफ पी इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ पी प्लस एच। उसी तरह क्यू पर आएंगे तो कंटिन्यूस होने के लिए एफ क्यू बराबर एल एच एल करना होगा, आर एच एल की जरूरत ही नहीं रह गई। अब इस बात को समझने के लिए डायग्राम दिखा दिया आपको, इस डायग्राम को देखिए, एक्स इक्वल टू पी पर यहाँ ये जो पॉइंट है इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है, ये एफ पी है, और पी पर आर एच एल निकालेंगे तो आर एच एल यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और एच टेंड टू जीरो करा देंगे तो वो क्या करेगा, वो इसको पाना चाहेगा, यानी कि लिमिटिंग में दोनों बराबर हो जाएगा, एल एच एल तो है ही नहीं, तो ये कंटिन्यूअस हुआ, दिस इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पी। ठीक नीचे का डायग्राम में देखिए तो एफ पी यहाँ पहुंचा हुआ है, ये एफ पी है, और आर एच एल पी के जस्ट राइट लेंगे तो आर एच एल यहाँ पहुंच रहा है, ये हुआ इसका वाई कोऑर्डिनेट, ये हुआ एफ ऑफ पी प्लस एच, और एच जीरो टेंड कराएंगे तो लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पहुंचेगी, ये आर एच एल हो रहा है, तो दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। उसी तरह क्यू पर देखिए, यहाँ एफ क्यू है, और चूंकि क्यू राइट एंड पॉइंट पर है तो कंटिन्यूस होने के लिए एफ क्यू बराबर एल एच एल चाहिए, तो यहाँ क्यू है, एल एच एल यहाँ आ रहा है आपका, देखिए ये एल एच एल हो रहा है, अब लिमिट लगाएंगे तो ये यहाँ पहुँचना चाहेगा इस पर, ये एल एच एल और एफ क्यू यहाँ है, दोनों क्या है, गैप है, मतलब बराबर नहीं है, तो क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। सो दिस एट अभी डिसकंटिन्यूस है, लेकिन अगर इस पॉइंट को यहाँ से हटा दें और इसको हटा कर यहाँ फिलअप कर दें ऐसे ऐसे, अब क्या होगा, ये कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो बाउंड्री पॉइंट पर एक डेटा आपका और घट ही जाता है। थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, तो मैं स्टार्ट करूंगा बिल्कुल बेसिक एग्जांपल्स है, जैसा कि आप बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में देखते हैं ना, फिर धीरे धीरे जेई मेंस और आईटी एडवांस तक जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो एक सवाल है बहुत लोग डेट का, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन व्हेन एक्स लेस देन जीरो, वन बाई फोर एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। क्वेश्चन में कहा गया है कि इस फंक्शन की एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू जीरो लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं वो चेक कीजिए, कंटिन्यूस है कि नहीं कि वो चेक कीजिए, कि बहुत सिंपल है, ये ग्राफ से भी हो जाएगा। ठीक है, और कैलकुलेटिव जो फॉर्मूला है उससे भी हो जाएगा। तो
चलिए जीरो पर RHL निकालते हैं। RHL इक्वल टू लिमिट H टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ जीरो प्लस है। देखिए RHL दो तरह से निकलता है, एक तो X इक्वल टू A पर RHL चाहिए, तो आप X टेंडिंग टू A प्लस H FX लिख लो, या जो फंक्शन है वहाँ X की जगह ही जीरो प्लस H डाल दिए और लिमिट H टेंड्स टू जीरो करिए। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले कि जीरो पर टेस्ट करना है तो फंक्शन में जीरो प्लस H डालकर H टेंड्स टू जीरो कर दे रहा है पहला। तो जीरो प्लस एच मतलब मोर देन जीरो, इस तीनों में देखो मोर देन जीरो कहाँ है, तो मोर देन जीरो यहाँ है, यानी एफ जीरो प्लस एच की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। ठीक है, तो इसमें एक्स की जगह क्या करना है, जीरो प्लस एच यानी एच डाल देना, तो आ गया एच स्क्वायर, इसके लिए लिमिटिंग वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, इसी को कभी कभी मैं ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे करके ये स्टेप में, ठीक है, कि आप एच टेंड्स टू जीरो जीरो प्लस एच ना लिखकर कि फंक्शन को एक्स में ही रहने दो, लेकिन यहाँ लिख दो एक्स टेंड टू जीरो प्लस एच, मतलब एक्स जीरो तो टेंड कर रहा है लेकिन वो राइट से टेंड कर रहा है, ये टेंडेंसी बतानी है कि ऑफकोर्स एक्स जीरो ही टेंड कर रहा है लेकिन वो राइट से टेंड कर रहा है, मतलब मोर देन जीरो होकर जीरो टेंड कर रहा है। तो मोर देन जीरो किस में आएगा, इसमें, तो ये फंक्शन ही लिख देना होता है। ठीक है, और एक्स जीरो टेंड कर रहा है ये समझा, तो एक्स जीरो टेंड कर रहा है तो जीरो का स्क्वायर जीरो, एक ये तरीका है। ठीक है, जो अच्छा लगे करिएगा। फिर LHL पर आएंगे, LHL क्या होगा, एच टेंड टू जीरो फंक्शन ऑफ जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच लेस देन जीरो वो यहाँ से आएगा। तो इसमें एक्स की जगह क्या करना है, जीरो माइनस एच, तो माइनस एच माइनस वन कितना गया, माइनस वन। अब आप देख रहे हो कि RHL जीरो है, LHL माइनस वन है, दोनों बराबर नहीं, इससे लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, और जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कंटिन्यूअस भी नहीं होगा। ठीक है, इसी को आगे बढ़िए ग्राफ से, y इक्वल टू एक्स माइनस वन, आपको पता है एक्स माइनस वन स्ट्रेट लाइन होता है, यहाँ नीचे ये जीरो माइनस वन, माइनस वन पर कट करेगा, एक स्ट्रेट लाइन से जाएगा, इसका स्लोप कितना होगा, वन होगा स्लोप, यानी एक्स एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बनाएगा। चूंकि एक्स लेस देन जीरो लिखा हुआ है और वाई एक्सिस पर एक्स जीरो होता है, तो इसके लेफ्ट में ग्राफ लेनी है, राइट वाली ग्राफ हटा देनी है। फिर एक्स स्क्वायर बनानी है, तो एक्स स्क्वायर हमें पता है कि ऐसा होता है एक्स स्क्वायर, लेकिन वो एक्स स्क्वायर जो है ग्रेटर देन जीरो लेना है, तो ऑरिजिन के राइट लेना है, लेफ्ट वाला हटा देना है, और इक्वल टू का साइन नहीं है इसलिए एक्स और जीरो पर जो पॉइंट है दोनों जगह वो मिसिंग रहेगा, वैकेंट दिखाई पड़ेगा, और जीरो पे वन बाई फोर, तो एक अलग पॉइंट यहाँ दे दिया गया है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड से अगर हम पहुँचे तो वो यहाँ पहुँच रहे हैं, लेफ्ट साइड से पहुँचे तो यहाँ पहुँच रहे हैं, तो दोनों अलग अलग जगह पहुँचे ना एक्स इक्वल टू जीरो पर, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया, कंटिन्यूस तो और भी नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह एक और बहुत सिंपल सवाल मैं ले रहा हूँ, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस टू एक्स माइनस वन बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड टू वेन एक्स इक्वल टू जीरो। बहुत सिंपल सवाल है, आपको देख के ही समझ आएगा कि ये अलजेब्रिक लिमिट की ओर जा रहा है, वो भी स्क्वायर रूट का टर्म है, यानी रैशनलाइजेशन की तरफ। जीरो पर लिमिट टेस्ट करना है और कंटिन्यूटी टेस्ट करना है, RHL लिखना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एच एफ एक्स, एफ एक्स ये टर्म, चूंकि जीरो प्लस एच हो या जीरो माइनस एच वो होता है नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो वाले ब्रांच से आ जाएगा, आपको लिख दिया गया। और चूंकि x 0 अप्रोच कर रहा है तो ये 1 अप्रोच करेगा, 1 माइनस 1 0 अप्रोच करेगा, सो 0 बाई 0 फॉर्म का लिमिट हुआ, और ये अलजेब्रिक लिमिट है। ठीक है, ये रैशनल टर्म है तो रैशनलाइज करना होगा, इसके कंजुगेट टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, मल्टीप्लाई करने के बाद ये स्क्वायर रूट से फ्री हो जाएगा, चूंकि a माइनस b इंटू a प्लस b हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए ये 1 1 कैंसिल होगा, फिर ये x x भी कैंसिल होगा, उसके बाद क्या होगा, ये होगा 2 और यहाँ 0 टेंड करेंगे तो होगा रूट 1 यानी 1 प्लस 1 तो 2/2 यानी 1 आ जाएगा। RHL, LHL कैसे निकालेंगे, तो LHL निकालने के लिए आपको खाली यहाँ 0 माइनस एच लिख देना। अब यहाँ ध्यान रखिए कि दो तरह से RHL निकाल सकते थे, एक तो फंक्शन में ही x की जगह 0 प्लस एच डाल देते, तो 0 प्लस एच डालते तो ये सारा x जो है वो h में लिखा था। ठीक है, LHL निकालना होगा तो LHL लिखेंगे h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस एच, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस एच हो जाता होगा, 1 माइनस 2 एच स्क्वायर रूट माइनस 1, और यही काम करेंगे, सेम वैल्यू आएगा, आप करके देखना है इसको। ठीक है, तो इसमें लिमिट तो एग्जिस्ट कर जाएगा, मैं केवल RHL निकाला हूँ, आप इसी तरह LHL निकालो। ठीक है, RHL LHL सेम आएगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लेकिन 0 पर जो वैल्यू है वो 2 हो जाती है, तो लिमिट इज नॉट इक्वल टू F0, तो वो कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, दो बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपको। एक सवाल है, डज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 बाई एक्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 एक्स बाई 2 एग्जिस्ट, बहुत बेसिक सवाल है ये। 1 माइनस कॉस 2 एक्स आपको पता है 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाता है, 2 2 कैंसिल कर जाएगा, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर आप जानते हो मॉड एक्स होता है, तो रूट अंडर साइन स्क्वायर एक्स हो गया मॉड साइन एक्स बाई एक्स, मतलब ये लिमिट इस फॉर्म में, ये लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो आपको देखना होगा x इक्वल टू जीरो पर RHL LHL सेम आता है या नहीं।
RHL लिख रहे हैं हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h मॉड sin x बाय x। अब यहाँ टेंडेंसी समझना है, दो रास्ते हैं आपके सामने, या तो x बराबर 0 प्लस h पुट ही कर दो और h वेरी स्मॉल पॉजिटिव है ये पता ही, उससे सेंस ले लो, या ऐसे भी समझ सेंस लगा सकते हो कि x टेंडिंग टू 0 प्लस h है, मतलब वो 0 टेंड कर रहा है और पॉजिटिव साइड से टेंड कर रहा है, मतलब x इन्फिनिटेसिमल ही है। तो बताओ जब x स्लाइटली मोर देन 0 है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin x क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव होने पर मॉड sin x को आप sin x लिख देंगे तो sin x / x कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन जब LHL निकालेंगे तो ये x टेंड्स टू 0 माइनस h हो जाएगा। तो एक उपाय तो ये है कि इस x की जगह 0 माइनस h आप डाल दें और तब सॉल्व करें, दूसरा है कि सेंस लगाएं। तो मैं अभी सेंस ही लगा देता हूं आपको कि जब x 0 टेंड कर रहा है लेकिन नेगेटिव साइड से स्लाइटली लेस देन 0 तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, नेगेटिव है लेकिन बहुत स्मॉल नेगेटिव, जैसे माइनस 0.00001, लेकिन रहेगा वो नेगेटिव इसलिए वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो मोड साइन एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स बाई एक्स कितना होगा, माइनस वन। दोनों लिमिट्स डिफरेंट हैं इसलिए ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी से मिलता जुलता दूसरा सवाल है जिसमें कहता है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये इंटीग्रल पार्ट है, ये जो है दिस इज जी आई एफ ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन है, क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करता है, इसी सवाल की तरह है। RHL लिख रहे हम लोग, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एच साइन एक्स बाई एक्स। अब दो रास्ते हैं, या तो 0 प्लस एच डाल दो तो साइन एच बाई एच हो जाएगा, और नहीं तो सेंस ही लगा देते हैं कि एक्स स्लाइटली मोर देन 0 मतलब इन्फिनिटेसिमल ही है। तो इसकी वैल्यू डिटरमिन कैसे करें, या ध्यान रखेंगे इस बात का कि आप साइन एक्स बाई एक्स जो है ना उसका इंटीग्रल पार्ट बता रहे हो 0 के विसिनिटी में। या एक चीज समझना है कि अगर आपको ये दे दिया जाए कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स और बाहर इंटीग्रल पार्ट, क्या ये दोनों सेम चीज़ है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। ये जो इंटीग्रल पार्ट है वो उस नंबर का इंटीग्रल पार्ट है जो इसका लिमिटिंग वैल्यू है। तो आपको पता है साइन एक्स बाई एक्स का लिमिटिंग वैल्यू 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रल पार्ट 1 होगा। लेकिन ये वो नहीं कर रहा है, ये कर रहा है कि अराउंड 0 साइन एक्स बाई एक्स जो टर्म है उसका इंटीग्रल पार्ट बताइए। यहाँ इंटीग्रल पार्ट आप बता रहे हैं इसके लिमिट का, और यहाँ इंटीग्रल पार्ट बताना है साइन एक्स बाई एक्स का। लेकिन साइन एक्स बाई एक्स तो वेरिएबल है, बहुत सारा इंटीग्रल पार्ट हो सकता है, तो कहाँ का इंटीग्रल पार्ट, 0 के आसपास फंक्शन कहाँ पहुँच रहा है उसका। चलिए लौटते हैं यहाँ पर, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए साइन एक्स लेस देन एक्स होता है, ये मोनोटोनिसिटी में तुम लोग पढ़े होगे या देख सकते हो, ठीक है। तो जब साइन एक्स लेस देन एक्स होता है हम दोनों तरफ एक्स से डिवाइड करेंगे, साइन एक्स बाई एक्स लेस देन 1 आ जाएगा, यानी इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 है लेकिन जस्ट लेस देन 1 है। जस्ट लेस देन 1 का मतलब हुआ कि 1 में आप माइनस का टैग लगा दिए, लिटिल लेस देन 1 यानी 0.999 टाइप का, इस तरह से। तो इसका इंटीग्रल पार्ट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह जब LHL निकालेंगे तो आएगा x टेंड्स टू 0 माइनस साइन एक्स बाई एक्स, आप यहाँ माइनस एच डाल दो यहाँ दोनों तो वापिस साइन एच बाई एच आ जाएगा। या अगर मोनोटोनिसिटी का रेट देख लो तो x लेस देन 0 पर क्या होता है कि साइन एक्स जो है वो मोर देन एक्स होता है, इसलिए अगर हम x से डिवाइड कर दें तो फिर ये लेस देन 1 आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव से जब डिवाइड करते हैं हम लोग तो इनइक्वालिटी उलट जाता है। तो अगेन ये 1 माइनस है स्लाइटली लेस देन 1, यानी इंटीग्रल पार्ट कितना हो जाएगा इसका, 0 हो जाएगा। ये लिमिट एग्जिस्ट करता है, हर लिमिट में जो कितना है, 0 है। इसी को एक शॉर्टकट तरीके में ले जाए, लेकिन वो फंडामेंटल तरीका नहीं है। शॉर्टकट तरीका है कि आप एल हॉस्पिटल लगा दिए केवल अंदर वाले पार्ट पर, क्योंकि 0 के आसपास है वो 0/0 फॉर्म गेन करेगा। तो अगर इसमें एल हॉस्पिटल लगा हुआ है तो कितना आएगा, कॉस एक्स बाई 1 लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब आप समझिएगा कि 0 के राउंड कॉस एक्स की लिमिटिंग वैल्यू तो 1 होती है, लेकिन कॉस एक्स कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होता है, एग्जैक्ट 0 पर 1 होता है। ये टेंडिंग टू 0 है मतलब 0 से जरा सा ज़्यादा या जरा सा कम। तो इंटीग्रल पार्ट इसकी वैल्यू कितनी होगी, स्लाइटली लेस देन 1, ठीक है। तो 0 आ जाए, ऐसे भी कर सकते हैं।